मुद्दे की बात करो। मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम काम की बात कभी नहीं करते। गाइस, इन सेंटेंसेस को हम बड़ी आसानी से हिंदी में बोल लेते हैं, बट इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कम टू द पॉइंट या फिर गेट टू द पॉइंट। मुद्दे की बात करो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। तुम काम की बात कभी नहीं करते, यू नेवर कम टू द पॉइंट, यू नेवर कम टू द पॉइंट। मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग टू द पॉइंट, वाई आर यू नॉट कमिंग टू द पॉइंट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वाई आर यू नॉट गेटिंग टू द पॉइंट, वाई आर यू नॉट गेटिंग टू द पॉइंट। मुद्दे पर कब आओगे, वेन विल यू कम टू द पॉइंट, वेन विल यू कम टू द पॉइंट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वेन विल यू गेट टू द पॉइंट, वेन विल यू गेट टू द पॉइंट। पापा ने उसे समझाया तब जाके वो मुद्दे पर आया, पापा हैड मेड हिम अंडरस्टैंड एंड देन ही केम टू द पॉइंट, पापा हैड मेड हिम अंडरस्टैंड एंड देन ही केम टू द पॉइंट।